मृत्यु दंड के बारे में हम लोग बात करेंगे, डेथ पेनाल्टी के बारे में बात करेंगे। गाइज प्योरली ये थियोरिटिकल टॉपिक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी एक अच्छी आपको होनी चाहिए। जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेंस में काफी कुछ चीजें लिख सकते हैं, तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा, क्योंकि आप जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा काम की होने वाली है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने एक फैसले में मृत्यु दंड की सजा दिए जाने पर कुछ सुझाव दिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनाल्टी पर कुछ सुझाव दिए हैं, सजेशंस दिए हैं कि किस प्रकार से डेथ पेनाल्टी इंपोज की जानी चाहिए। तो क्या विचार है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डेथ पेनाल्टी को लेकर, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। सो उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में सुनाया गया था, और इसमें अदालत ने दोषी को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को उम्र कैद यानी कि लाइफ इंप्रिजमेंट में बदल दिया है। तो हुआ क्या है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बच्ची के रेप के केस जो सामने आया था, 7 साल की बच्ची का रेप और मर्डर का केस सामने आया था, उसमें जो आरोपी था तो उसको एक्चुअली लोअर कोर्ट ने डेथ पेनाल्टी दी थी, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनाल्टी को लाइफ इंप्रिजमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सुन के आप लोग को बहुत बुरा लग रहा होगा डेफिनेटली, ऐसा क्यों किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, इस प्रकार के जाहिल लोग को तो मार डालना चाहिए। और ये बिल्कुल सेम विचार मेरा भी है पर्सनली कि जो लोग इस घटिया हरकत में इन्वॉल्व होते हैं तो उनको तो सड़क पे खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। इस चीज के लिए मुझे तो इस्लामिक लॉ बहुत अच्छा लगता है, ये जो अरेबिक लॉ जो हम लोग को देखने को मिलता है बहुत बढ़िया लगता है। तो इनको तो बीच सड़क में जगह उड़ा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे घटिया लोगों को जगह नहीं मिलनी चाहिए सर्वाइव करने की भी, क्योंकि एक को उड़ाओगे आप तो दूसरे एटलीस्ट डरेंगे और डर के मारे इस प्रकार की घटना करने की सोचेंगे भी नहीं, भले ही शराब के नशे में हो या किसी भी नशे में हो। बस एक बार जब देखेंगे कि सामने उड़ा दिया जाता है सबके सामने लाइव टेलीकास्ट करके, जब ब्रूटैलिटी का उनको पता लगेगा ऐसे घटिया लोगों को, तो ये सोच होगी उनके अंदर बट उभर कर नहीं आएगी क्योंकि डर लगेगा। चलो बस एनीवे, बट वी रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्या कहा है, राइट। और एक और चीज मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि मेंस के आंसर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, दैट इज टोटली करेक्ट, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट मत जाना या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के डिसीजन के अगेंस्ट मत लिखने लगना। ओपिनियन दो, सजेशन दो, बट अगेंस्ट पे मत जाना, क्योंकि अगेंस्ट पे जाओगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि उनको ये लगेगा कि अरे यार ये तो अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कल को अगर पावर में आ गए, कल को इनको अगर हमने आईएएस आईपीएस बना दिया तो ये अपनी मनमानी करेंगे, आर्बिट्ररी पावर तो है वो अपनी करना शुरू कर देंगे, राइट। तो वो चीज गलत है, आपको लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में रहना है, जो सिस्टम है उसका हिस्सा बनोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि सिस्टम में अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है, भले ही उस अथॉरिटी पे कोई भी बैठा हो, राइट। जैसे कि हम बात करते हैं जब भी प्रेसिडेंट की तो हम ऑनरेबल प्रेसिडेंट बोलते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। काफी सारे लोग हैं जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर को पसंद ना करते हो, बट फिर भी यू हैव टू राइट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बिकॉज यू आर रिस्पेक्टिंग दैट पर्टिकुलर पोस्ट, नॉट दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो आपके केस में जब आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो आपके केस में और किसी भी, आपको एक समझदारी होनी चाहिए कि वो पोस्ट है जिसकी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। पर्सन की रिस्पेक्ट करना या ना रिस्पेक्ट करना दैट इज योर पर्सनल चॉइस, बट इट इज योर नेशनल ड्यूटी, मैं कहूंगा आपकी ये नेशनल ड्यूटी है कि आपको जो है वो पोस्ट की रिस्पेक्ट करना है, राइट। चलो, सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणियां हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों को महज अपराध की भयानक प्रकृति और समाज पर इसके हानिकारक प्रभाव को देखते हुए मृत्यु दंड की सजा के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। न्यायाधीशों को ऐसे मामले में ऐसे कारकों यानी कि फैक्टर्स पर विचार करना चाहिए जिसकी वजह से मृत्यु दंड की सजा को कम करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। तो मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डेथ पेनल्टी को जो है वो मैक्सिमम पनिशमेंट के तौर पर मत डालो, उसकी जगह आप लाइफ इंप्रिजमेंट पर ही सेटल करो चीजों को, राइट। तो ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले पॉइंट में ट्रायल कोर्ट के लिए कहा, राइट, कि जहां पर केस मामला जो है वो चलता है। और उच्चतम न्यायालय ने अपने इस फैसले में दंड शास्त्र के सिद्धांतों के विकास यानी कि इवोल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पीनोलॉजी का हवाला देते हुए कहा कि हालांकि मृत्यु दंड एक निवारक एवं उपयुक्त मामलों में उचित सजा के लिए समाज की मांग की प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है,
जब भी समाज सोसाइटी जो है वो मांगती है एक अप्रोप्रिएट पनिशमेंट अप्रोप्रिएट केसेस में, तो उसके रिस्पॉन्स में हम लोग को डेथ पेनाल्टी देखने को मिलती है, मृत्यु दंड कैपिटल पनिशमेंट जो है वो उसी के ही डिमांड में हमें देखने को मिलती है। कि समाज जब डिमांड करती है कि कुछ ऐसे केस होते हैं कि जिसमें एक व्यक्ति को डेथ पेनाल्टी मिलनी ही चाहिए, तो उस केस में डेथ पेनाल्टी एक रोल जो है वो प्ले करती है। बट दंड शास्त्र यानी कि पिनोलॉजी के सिद्धांत समाज के अन्य दायित्वों को संतुलित करने के लिए विकसित हुए हैं, अर्थात इन सिद्धांतों के अनुसार मानव जीवन चाहे वह अभियुक्त ही क्यों ना हो को संरक्षित किया जाना चाहिए, जब तक कि अभियुक्त को मृत्यु दंड देना अपरिहार्य यानी कि इनएविटेबल ना हो जाए। अब इसका मतलब सिंपल शब्दों में यह है कि एक व्यक्ति जो भले ही अपराधी जो है वो जिसको घोषित कर दिया गया है उसने खराब से खराब क्राइम क्यों ना किया हो, बट उसको मृत्यु दंड देना जो है वो तब तक मृत्यु दंड की सजा उसको ना दी जाए जब तक वो एकदम ही ज्यादा जरूरी ना हो जाए, एकदम ही ज्यादा जरूरी तभी उसको दो वरना मत दो। इससे अन्य सामाजिक कारणों और समाज के सामूहिक विवेक की संतुष्टि का सवाल सामने ना आ जाए, मतलब कि जब तक कि जो होता है ना कि सामूहिक की कम्युनिटी जो है वो कलेक्टिवली अगर उस व्यक्ति को जो है वो मृत्यु दंड करने के लिए हर एंगल से ना एग्री हो जाए तब तक उसको मृत्यु दंड ना दो। ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और मृत्यु दंड की सजा सुनाने के संबंध में अदालतों को किस प्रकार निर्णय लेना चाहिए, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोर्ट जो है वो किस प्रकार से डिसीजन ले जब उसे कैपिटल पनिशमेंट मृत्यु दंड जो है वो इम्पोज करनी है। तो बच्चन सिंह मामला एक था 1980 का, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा मृत्यु दंड की सजा सुनाने के लिए एक सजा की रूपरेखा तैयार की गई। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया 1980 में कि किस प्रकार से डेथ पेनाल्टी को इम्पोज करना है। तो इस फ्रेमवर्क के तहत यह तय किया गया कि किसी व्यक्ति को मौत की सजा दी जानी चाहिए या आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए। मतलब यह चीज बताना था कि हम क्या करें कि जिस केस में एक व्यक्ति को डेथ पेनाल्टी दी जाए या फिर आजीवन कारावास लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा जो है वो दी जाए। अपराध और अपराधी, बहुत ध्यान सुनना, अपराध क्राइम और अपराधी क्रिमिनल दोनों की परिस्थितियों से संबंधित गंभीरता बढ़ने वाली एवं गंभीरता कम करने वाली परिस्थितियों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। तो हमें क्या करना है, सर्कमस्टेंसेस को चेक करना है। ऑफेंस मतलब कि जैसे कई बार कुछ केसेस में हम लोग देखते हैं कि कोई क्रिमिनल है उसने किसी सर्कमस्टेंसेस पे आकर क्राइम कर दिया, यानी कि उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे जिसके कारण से उसने फोर्सफुली क्राइम किया। तो जो गंभीरता है उसको कम करने वाली परिस्थिति को एक बार आप चेक करो, एनालाइज करो, और गंभीरता को बढ़ाने वाली परिस्थिति को एनालाइज करो, राइट, कि क्या ऐसी चीज है जिसके कारण से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कंसर्न जो है वो रेज हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब कंसर्न रेज होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सामने वाले को सजा देना तो आवश्यक है, जरूरी है, इनएविटेबल है, राइट। बट अगर कंसर्न जो है वो कम हो रहा है, मतलब सर्कमस्टेंसेस के थ्रू पता लग रहा है कि नहीं कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिसके कारण से ये क्राइम जो है वो बड़ा है, अगर ये फैक्टर्स नहीं होते तो शायद ये क्राइम नहीं होता, तो ऐसी चीजें जब अगर पॉइंट आउट हो रही हैं तो सामने वाले को लाइफ इंप्रिजमेंट हो, डेथ पेनाल्टी मत हो। तो बच्चन सिंह मामले के फैसले के अनुसार किसी मामले में अपराधी को मौत की सजा का पात्र होने के लिए गंभीरता बढ़ाने वाली परिस्थितियां गंभीरता कम करने वाली परिस्थितियों से अधिक होनी चाहिए। तो सर्कमस्टेंसेस जो बढ़ते हैं, ऐसा होता है ना कि कई बार हम लोग देखते हैं कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस हम लोग को जो है वो नजर आते हैं कि जिस केस में जो है वो कंसर्न जो है वो रेज होता रहता है, तो उस केस में यानी कि उस पर्टिकुलर मामले में सामने वाले व्यक्ति को डेथ पेनाल्टी दो। बट जिस मामले में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आपको फैक्टर्स मिल रहे हैं, कि जिस फैक्टर्स के तहत हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है कि आप जो है मतलब जो फैक्टर सामने आ रहे हैं कि एक व्यक्ति ने ये जो क्राइम किया अगर ये फलाना फैक्टर नहीं होता तो वो व्यक्ति जो है वो क्राइम नहीं करता है ना, तो ऐसी चीजें जब ज्यादा मात्रा में सामने आने लगी है तो उसको डेथ पेनाल्टी मत दो, कैपिटल पनिशमेंट मत दो, उसको आप लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा जो है वो दे दो, राइट।
फिर एक आता है कलेक्टिव कंसाइंस, सामूहिक विवेक। तो ये क्या है, तो बहुत ध्यान सुनना, सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और सामूहिक विवेक या चेतना, समटाइम्स कलेक्टिव कंसाइंस या कॉन्शियस, एक मौलिक समाज शास्त्रीय अवधारणा है, एक फंडामेंटल सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है जो किसी सामाजिक समूह या समाज के लिए सामान्य साझा विश्वासों, विचारों, दृष्टिकोण और जानकारी के समुच्चय को संदर्भित करता है। मतलब कि ये क्या एक सेट है, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो कि एक सेट है शेयर्ड बिलीव का, आइडियाज का, एटीट्यूड्स का और नॉलेज का, जो कि एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप या सोसाइटी के लिए कॉमन होता है। मतलब कि पूरी सोसाइटी, पूरा ग्रुप यही चाह रहा है कि सामने वाले व्यक्ति को जो है वो मौत की सजा सुनाई जाए। तो जब ऐसे केसेस आते हैं तो ये केसेस जो है वो कलेक्टिव कंसाइंस के हम लोग को, सामूहिक विवेक के हम लोग को देखने को मिलते हैं। बट सामूहिक चेतना का विकास कैसे होता है, तो मृत्यु दंड को सही ठहराने के लिए एक आधार के रूप में समाज के सामूहिक विवेक अथवा चेतना का इस्तेमाल पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1983 में माझी सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में फैसला सुनाते हुए किया था। इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब समाज की सामूहिक चेतना को झटका लगता है तो वह न्यायिक शक्ति धारकों से, जो क्रिमिनल है, इसको मौत की सजा देने की उम्मीद करती है। तो आपने कई बार इस चीज को देखा होगा कि सोसाइटी के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि जो लोग होते हैं, जो सोसाइटी, जो पूरी की पूरी सोसाइटी होती है, वो सामने वाले व्यक्ति को, जैसे कि 2012 का अगर हम केस की बात करें, दिल्ली गैंगरेप की केस की बात करें, तो पूरा इंडिया जो है, जो क्रिमिनल थे, उनको मौत की सजा सुनाने के लिए खड़ा हो गया था कि इसको मौत की सजा ही दो, इससे नीचे इसको सजा नहीं देनी है। और शीर्ष अदालत द्वारा इस अवधारणा का सबसे चर्चित इस्तेमाल संसद हमले के मामले में 2005 के अपने फैसले में किया गया था, जिसमें उसने अफजल गुरु को मौत की सजा सुनाई थी। सामूहिक विवेक अवधारणा के प्रयोग का सबसे हालिया उदाहरण वर्ष 2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिसंबर 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले में मुकेश बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य के फैसले में देखने को मिला। तो वही, ये जो दिल्ली का केस था हम लोग को, निर्भया केस, तो उस केस में भी हम लोग को यही चीज देखने को मिली, कलेक्टिव कंसाइंस जो है वो सामने आया, राइट। और संबंधित चिंताएं क्या है, तो क्या अदालतें किसी भी तरह से सार्वजनिक आक्रोश, अंतरात्मा की भावना, भावुकता या संवेदना, मतलब कि पब्लिक आउटक्राई, सेंस ऑफ कंसाइंस, सेंटीमेंट्स और फीलिंग, भावुकता या संवेदना को अपने फैसले को दूर से प्रभावित करने की अनुमति दे सकती है। मतलब कि कंसर्न है, चिंता वाली बात यह है कि अगर लोग बाग जो है वो इमोशनल हो रहे हैं, राइट, या पब्लिक जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, या इस प्रकार की, जैसे होता ना, जो अंतरात्मा हमारी कह रही है कि अरे नहीं यार, इसको तो सजा सुनानी है, क्या इन सब फैक्टर्स के आधार पर एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई जा सकती है जब मौत की सजा का मामला हो? तो यह सवाल ऐसे समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है, रेलिवेंट हो जाता है, जिसमें टेलीविजन और सोशल मीडिया हम पर किसी मामले को लेकर अपने नजरियों की बमबारी करते हैं। तो आपको आप जानते हैं गाइस कि मीडिया जो होती है वो, जैसे आपने कई बार सुना भी होगा कि किसी केस में किसी अपराधी को, मतलब जैसे हम बात करते हैं ना कि जब तक कि कोई किसी केस में एक व्यक्ति जो है वो अपराधी ना घोषित हो जाए तब तक जो है वो इनोसेंट है वो, राइट, जब तक उसको अपराधी नहीं कहा जाएगा। बट टेलीविजन, मीडिया, ये एक व्यक्ति को पहले ही अपराधी घोषित कर देते हैं। तो कोर्ट के जजमेंट से पहले ही मीडिया अपना जजमेंट दे देती है और लोगों के माइंड पर जो है वो प्लांट कर देती है एक एक ही चीज, क्योंकि जो चीज हमें बार बार देखेगी, जो चीज हमारे सामने बार बार आएगा, तो हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। कई केसेस में जो एडवर्टीजमेंट कंपनी बहुत जोरों शोरों से करती है, और यही एडवर्टीजमेंट कंपनी जो है वो मतलब जो मीडिया का जो होती है, हम लोग को न्यूज चैनल्स वगैरह हम लोग को देखने को जो मिलते हैं, तो वो इन सब ट्रिक्स का, एडवर्टीजमेंट कंपनीज के ट्रिक्स का वो उपयोग करते हैं और बार बार एक ही चीज को जो है वो कंटिन्यूस चलाते रहते हैं, कंटिन्यूस, राइट, जिससे कि लोगों का एक नजरिया जो है वो किसी केस पर जो है वो बदले। तो ये चीज आपने पर्सनली भी जो है वो नोटिस करी होगी, है ना। तो लोग राय बनाते हैं और उसका फैसला भी निर्धारित कर देते हैं, यानी कि कोर्ट के फैसले निर्धारित करते समय, करने से पहले ही लोग अपना फैसला जो है वो निर्धारित कर देते हैं। तो आज के समय की क्या मांग है, तो हमारा संविधान सबसे
हाशिए पर पड़ा है, वंचित, उत्पीड़ित, अज्ञात, अनदेखी और उपेक्षित लोगों को न्याय देने के सिद्धांत पर आधारित है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसके ऊपर जो है वो बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के ऊपर। किन किन लोगों के लिए? मार्जिनलाइज, डिसफ्रेंचाइज, ऑप्रेस्ड, अननोन, अनसीन एंड इग्नोर्ड, मतलब कि जिन लोगों को जस्टिस, न्याय जो है वो नहीं मिल पाता, जो लोग जस्टिस से वंचित होते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग अगर आप कहें तो, जो मार्जिनलाइज है, राइट? तो हमारा संविधान जो है वो उनके ऊपर आधारित है, राइट? सबसे ज्यादा। और यह भावना मांग करती है कि कानून लोगों की किसी भी भ्रमपूर्ण भावना या मनोदशा पर निर्भर या प्रभावित नहीं हो सकता। पॉइंट टू बी नोटेड क्लियरली है कि कानून जो है वो कोई भी भ्रमपूर्ण भावना, राइट, जैसे होता है ना कि किसी की भी जो भ्रम है किसी को किसी चीज का, या अगर भले ही वो किसी कोई इमोशनल कितना भी क्यों ना हो, तो कानून इमोशंस पे नहीं चलता, कानून लॉ बुक पर, एविडेंसेस पर चलता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग के दौरान ही इस चीज के बारे में जो है वो समझाया। हमें उदार शक्ति वाले और रचनात्मक इंसान बनने की क्षमता वाले न्यायाधीशों की आवश्यकता है। तो वी नीड द जजेस ऑफ लिबरल एनर्जी एंड एबिलिटी टू बी क्रिएटिव ह्यूमन बींग्स। तो हमें ऐसे जजेस की जो है वो आज की डेट में आवश्यकता है। और विधि आयोग की सिफारिश क्या है, लॉ कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिए हैं? तो 2015 में जस्टिस एपी शाह की अध्यक्षता में गठित विधि आयोग, तो जस्टिस एपी शाह जो थे, तो वो लॉ कमीशन एक बनी थी 2015 में, तो उसके हेड थे जस्टिस एपी शाह। तो उन्होंने प्रपोजल ये रखा था कि मृत्यु दंड को समाप्त किया जाए, प्रपोजल था, प्रस्ताव था। हालांकि आयोग ने, लॉ कमीशन ने इस प्रस्ताव को केवल गैर आतंकवाद मामले के लिए प्रस्तुत किया। तो लॉ कमीशन ने ये चीज कही कि नॉन टेररिज्म के केस में ही सिर्फ ये वाला जो मृत्यु दंड जो है वो हटा दिया जाएगा, राइट? और आयोग के अनुसार भारत उन कुछ देश में शामिल है जहां अभी भी फांसी की सजा का प्रावधान जारी है, और फांसी की प्रथा जारी रखने वाले अन्य देश में ईरान, इराक, सऊदी अरब, चीन शामिल है। 2014 के अंत तक 98 कंट्रीज में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया। तो गाइज आपका क्या विचार है मृत्यु दंड को लेकर, ये जरूर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। और काफी अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, काफी सारी चीजें हमने समझी, स्पेशली जो सबसे बेस्ट पार्ट था, जो मैं पर्सनली चाहूंगा कि आप मेंस में जो है वो उपयोग करें, वो है कलेक्टिव कंसाइंस, सामूहिक चेतना, इसका आप जरूर जो है वो उपयोग करें। और आप जो है वो उपयोग करें इवोल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पीनोलॉजी का, दंड शास्त्र के सिद्धांतों के विकास का, जो कि मृत्यु दंड से एसोसिएटेड हम लोग को देखने को मिलता है। तो इनका जरूर आप मेंस में उपयोग करना, उससे आपको मेंस का आंसर बहुत अच्छा लगेगा।